नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने घंटे पढ़ते हो? नोट्स कैसे बना रहे हो? कितनी गहराई से बना रहे हो? कुछ नया सीख रहे हो? क्रिएटिव बन रहे हो? जैसे सब मुद्दे हैं हमारे, हम चलाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने आप को बिज़ी रखे हैं, सारा दिन घंटे बिता देते हैं भाई यहीं पर ही, तो भाई इसका नुकसान आपको होना है और एक दिन होकर रहेगा, आप सिवा पछतावे के और कुछ नहीं हाथ लगेगा। क्योंकि टाइम जो है एक बार निकल जाने पर फिर हम पछता ही सकते हैं उसके ऊपर, है ना, यदि हमने कुछ उसका सदुपयोग नहीं किया है। तो यदि आप व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग विश करते हैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, तो करते रहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, गुड मॉर्निंग करने से, विश करने से बेरोज़गारी का एहसास नहीं होता है, आप मनोरंजित होते हैं, नए नए स्टेटस डालते हैं, भावनात्मक, हास्यात्मक जो भी है अच्छी प्रकार से डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 10 डालिए, 20 डालिए, 30 डालिए, निरंतर डालते रहिए, इससे भी बेरोज़गारी का एहसास नहीं होता है। यदि आप पहले से ही नौकरी पेशा आदमी हैं और आपकी सैलरी हज़ारों में है ना, तो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रवचन दे सकते हैं किसी को भी, और क्योंकि आपकी सैलरी तो निश्चित तिथि के ऊपर डल ही जाएगी। लेकिन जो लोग क्वालिफाइड हैं, इतने ज़्यादा अभी बेरोज़गारी है, तो ये तो मुद्दा भी गायब हो ही गया है ना। मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो भी किस प्रकार से औंधे मुँह गिरा है, वो भी एक चिंताजनक स्थिति हो सकती थी। लेकिन क्या है कि जब सत्ता जो है मेजोरिटी में हो और पूरा हाथ मीडिया पर हो, तब तक ऐसे मुद्दे जो है दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश का जो मीडिया संस्थान जिस प्रकार से पिछले दिनों आम जनता के मुद्दों की धज्जियां उड़ा रहा था, तो उस वक्त सभी लोग राम भक्ति में लगे हुए थे, तो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, शिलान्यास रखा जा चुका है, तो सबसे बड़ी मुबारकबाद आप सभी को। अभी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अनपढ़ता शून्य दर पर आ जाएगी, मतलब उसका साक्षरता दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी शिलान्यास के साथ ही। और इसके बाद एक और बात बता दूं कि हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी अभी हम इटली और जर्मनी वगैरह देशों को भी पीछे छोड़ दें, है ना। उन्होंने तो अपने हालातों को काबू में कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि इस घटना के बाद जो अभी अयोध्या में हुआ है, इससे हम टॉप लेवल में आ जाएं। क्योंकि अभी हो सकता है कि जनता जागे और राम भक्ति पर जोर दें, और इस प्रकार से भक्ति करने से ही हो सकता है कि हमारे जो जो दुख हैं वो कम हो जाए। तो बेरोज़गारी, भुखमरी, अनपढ़ता, अभी ये मुद्दे कहाँ रहे? ये तो चुनावों के वक्त आते हैं और आकर चले जाते हैं हवा की तरह, है ना। तो अभी तो ऐसा लेकर चलिए कि ये भी हमारे एक मौलिक अधिकार की तरह ही है, और हमारा हक है बेरोज़गार रहना, और हमारा हक है व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर गुड मॉर्निंग विश करते रहना, और चाहे अगला बंदा कोई जवाब दे या ना दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ, तो मैंने पिछले दिनों एक मुहिम चलाई थी कि आप साथ दीजिए हमारा हिंदी पंजाबी SSC की पोस्टें बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, कोई लीडर? मैं टेंशन तो नहीं ले रहा हूँ, मैं लीडर भी नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ, मैं बस एक आम आदमी हूँ और जागरूक हूँ, थोड़ा सा आवाज़ उठाने की चेष्टा रखता हूँ। और सिस्टम अगर करप्ट है तो हम ही लोगों ने बनाया है करप्ट, हम ही लोग होते हैं जो किसी भी दम पर पोस्ट लेने की चेष्टा रखते हैं, चाहे कितने ही लाखों रुपये हमें देने पड़े रिश्वत के रूप में। तो फिर मैंने ना एक पंक्ति लिखी थी, तो आपको सुनाना चाहता हूँ। पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि नहीं की जा सकती उम्मीद इस सभ्य समाज से, नहीं की जा सकती उम्मीद इस सभ्य समाज से, नहीं चाहता क्रांति अब मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से, बुराई कम मुझ में भी नहीं, शिकवा क्या करूँ दूसरों से, समाज में केवल मैं ही नहीं वह बना है मुझ जैसे कितनों से। तो साथियों, बहुत बड़ा धन्यवाद जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, और उन लोगों का बहुत बड़ा तिरस्कार तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो कैसे भी करिए, मर्जी आपकी है, बात सुनिए या ना सुनिए, लेकिन जो नेताओं की सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बढ़ती रहेंगी, लेकिन पेंशनें बंद होंगी तो आम जनता की होंगी, सैलरियाँ घटेंगी तो आम जनता की घटेंगी, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे देश की स्थितियाँ जो हैं चलती रही हैं, व्यवस्था इसी प्रकार से चलती आ रही है और चलेगी भी, क्योंकि हम लोग गूंगे बहरे हैं ही। और इसके अतिरिक्त बस यही कहना चाहता हूँ कि हालातों को समझिए, और हालात सबके एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हम डिग्री धारक हैं और डिग्रियाँ काफ़ी हैं, टेस्ट क्वालिफाइड हैं सभी, सभी के होंगे, मेरे नहीं हैं अकेले के। और पछतावे के अलावा वो कुछ नहीं है, टाइम को बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, वही अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए,
बस यही कहना चाहते हैं भाई कि हाँ, जो मीडिया संस्थान करना चाहता है वो कर गया है, टीआरपी का नंगा नाच खेला जा चुका है, और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जनता के मुद्दे तो गायब हैं और गायब होते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक सत्ता की तानाशाही बरकरार रहती है उसी प्रकार से। आज की इस वीडियो में हम इतना ही, अंत में वीडियो में हम एक कविता फिर से साझा करेंगे आपके साथ, मेरी नहीं है जो किसी और की है, तो कवि का नाम तो मुझे नहीं पता है, हालांकि कहीं पढ़ी थी मैंने, जो कवि इसका मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पता चलेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो कविता इस प्रकार से है कि संघर्ष की कहानी कोई उससे पूछे जिसने खाई है ठोकरें गली कूचे, संघर्ष की कहानी कोई उससे पूछे जिसने खाई है ठोकरें गली कूचे, वो क्या जाने एक छत की कीमत जिसके पास है महल ऊंचे ऊंचे। किसी को चाहिए बर्तन भी सोने के, तो किसी के मर रहे हैं बच्चे भूखे, जहाँ गलत को गलत कहकर तो देखो फिर देखो आपसे अपने कितने रूठे, जहाँ गलत को गलत कहकर तो देखो फिर देखो आपसे अपने कितने रूठे। सबको मिलनी है मरने के बाद 2 गज ज़मीन, सबको मिलनी है मरने के बाद 2 गज ज़मीन, चाहे इसके लिए आप खरीद लो शहर समूचे। बस इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में हम कोई और टॉपिक पे बात करेंगे, हम हिंदी साहित्य चैनल से हैं तो हिंदी पर ही वीडियो बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टॉपिक मुझे लगता था कि आज बात करना इस टॉपिक पर बहुत ज़रूरी है, और त्रस्त है जनता और हमारे मंत्रीगण मस्त हैं अपनी ही चालों में, अपनी ही राजनीतिक कूटनीतिक चालों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बोर किया हो तो वही माफ़ करिएगा, गुड मॉर्निंग विश करते रहिए, इससे क्या है कि बेरोजगारी का एहसास नहीं होता है। मनोरंजित करते रहिए, पबजी खेलते रहिए, इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे व्यतीत करते रहिए, और इंटरनेट तो सस्ता बहुत ज़्यादा है, आप अंबानी को धन्यवाद कर सकते हैं कि जिन्होंने जियो को बहुत ज़्यादा सुपरहिट करवा दिया, प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद कर सकते हैं, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था BSNL का गवर्नमेंट था वो, और वो भी प्राइवेट की श्रेणी में आ चुका है। बहुत बड़ा धन्यवाद आप मोदी साहब को भी करिए कि जिस प्रकार से उन्होंने सरकार का भंडाधार किया है, खासकर सरकारी संस्थाओं का और प्राइवेट संस्थानों का, किस प्रकार से उभारा है उसको भाई चमकते हुए सितारों की तरह, तो ये भी आप धन्यवाद करने की स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं आलोचक नहीं हूँ, बस ये है कि सच्चाई दिखाता हूँ, दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।